ओलंपिक विजेता अपंग बाला विस्मा। अमेरिका के टेनेसी में 7 सदस्यों का एक मध्यम वर्गीय परिवार था। परिवार की सबसे छोटी सदस्य 4 साल की बेटी विस्मा को डबल निमोनिया हो गया। माता पिता की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, फिर भी किसी न किसी तरह इलाज का प्रबंध किया गया। इलाज के लिए पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं था। तभी दूसरी विपत्ति भी आई, विस्मा को स्कॉरलेट फीवर हो गया। 4 साल की अबोध बालिका, जिसने कुछ ही महीनों पहले चलना और दौड़ना सीखा था, इन 2 भयानक रोगों की दोहरी मार से पंगु हो गई। उसकी एक टांग बेकार हो गई। पास पड़ोसियों ने कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, परंतु विस्मा को बचाने की सलाह दी। माँ बाप को भी अपनी संतान प्राणों से प्यारी लगती है। पिता तो काम पर चले जाते, घर बैठ जाएं तो परिवार का निर्वाह कैसे हो। विस्मा की माँ श्रीमती रूडाल्फ अपनी 4 साल की बेटी को कंबल में लपेटकर हर रोज 40 मील दूर एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने लगी। रोग तो ठीक हो गए, लेकिन विस्मा ठीक प्रकार से चल भी सकेगी या नहीं, इसमें डॉक्टरों को संदेह होने लगा। ये बात सन 1944-45 की है। परंतु इस घटना के 15 साल बाद विस्मा रोम में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में इतनी तेज दौड़ी कि उसने एक साथ 3 स्वर्ण पदक जीत लिए। पहला इसलिए कि उसने 100 मीटर की दौड़ में ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। दूसरा, 200 मीटर की दौड़ में विस्मा ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया और 400 मीटर की रिले रेस में अपने ग्रुप को जिताने के कारण 3रा स्वर्ण पदक मिला। उस समय दर्शकों ने विस्मा को संसार की सबसे तेज दौड़ने वाली युवती कहा। परंतु बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि इस युवती के चल सकने में भी कुछ साल पहले तक डॉक्टरों को संदेह था। विस्मा के माता पिता ने बड़े प्रयत्न किए थे, डॉक्टरों ने भी इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका इलाज 2 सालों तक चलता रहा। उसके बाद विशेष प्रकार के जूते बनाए गए, जिनकी सहायता से 8 साल की आयु में विस्मा चलना सीख पाई थी, परंतु वो अभी भी दौड़ नहीं पाती थी। स्वभाव से विस्मा बड़ी चंचल थी। वो चाहती थी कि वो भी अपने भाइयों के साथ दौड़े और खेले, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसके माता पिता ने इस अवसर पर एक सावधानी बरती, वो यह कि विस्मा के मन में कहीं भी किसी भी प्रकार की हीन भावना घर न कर जाए। वे उसके योग्य खेलने और मन बहलाने के साधन जुटा दिया करते थे। जब वो 11 साल की हुई तो उसके एक बड़े भाई ने घर के पीछे बास्केटबॉल का एक पोल खड़ा किया और विस्मा को भी खेलने के लिए कहा। जैसे तैसे विस्मा खेलने के लिए थोड़ा थोड़ा दौड़ने का अभ्यास करने लगी। माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया तो उसके मन से ये विचार दूर होने लगा कि उसकी टांगें कमज़ोर हैं और वो दूसरों के मुकाबले में कम स्वस्थ है। विस्मा का मन खेलने में अच्छा लगने लगा। माता पिता का प्यार और सतर्कता और भाई की कोशिशों और धैर्य का परिणाम मिला। विस्मा में आत्मविश्वास पैदा हुआ और जो बालिका 4 साल की आयु में अपंग हो गई थी, वह बास्केटबॉल में चैंपियन स्तर की खिलाड़ी हो गई। इसका श्रेय उन समझदार माता पिता को ही दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी लाडली बेटी में अपनी प्रशंसा और प्रोत्साहन के द्वारा आत्मविश्वास पैदा किया। अन्यथा कई प्रतिभा संपन्न बालक तो आत्मविश्वास के अभाव में अपना बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाते। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं
जो आगे चलकर अच्छा काम कर सकते थे, परंतु उनके माता पिता के निरंतर निरुत्साहित करने से, उन्हें अयोग्य बताते रहने से, दब्बू, डरपोक और कायर कहते रहने के कारण वास्तव में वे ऐसे ही बन जाते हैं। विस्मा अपने पिता की 19 संतानों में से एक थी। उसके 11 सौतेले भाई बहन भी थे। ऐसी स्थिति में परिवार कितना ही संपन्न क्यों न हो, सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर रूडाल्फ परिवार तो मध्यम वर्गीय स्तर का था। सुख सुविधाओं के नाम पर माता पिता कुछ भी दे सकने में असमर्थ थे, परंतु उनकी सूझबूझ और बुद्धिमानी ने बेटी के मन में एक तीव्र इच्छा पैदा कर दी थी। माता पिता अपने बच्चों को उत्तराधिकार में कोई संपत्ति भले ही ना दे सकें, लेकिन सद्गुण, लगन और प्रोत्साहन की संपदा दे पाने में समर्थ हों तो समझना चाहिए कि उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा लिया है। विस्मा को स्कूल में भर्ती करवाया गया। उसका बास्केटबॉल का शौक यहाँ भी बना रहा। विस्मा की चंचलता और उसमें छुपी हुई लगन वहाँ और अच्छी तरह उभरने लगी और 2 साल में ही वह राज्य की चुनिंदा खिलाड़ी बन गई। सन 1955 में अपने टेनेसी राज्य की खेल प्रतियोगिताओं में 803 पॉइंट जीतकर विस्मा ने उस साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस खेल प्रतियोगिता में टेनेसी स्टेट कॉलेज के ट्रेनर एडवर्ड टेम्पल भी आए हुए थे। उन्होंने बास्केटबॉल की खिलाड़ी विस्मा रूडाल्फ को देखा तो अनुभव किया कि वह होनहार है और कोशिश की जाए तो वो बहुत अच्छी रनर बन सकती है। टेम्पल ने विस्मा के ट्रेनर सीसी ग्रे को ये सलाह दी कि वे बर्ट हाई स्कूल, जहां विस्मा पढ़ती थी, वहां रनर लड़कियों की एक टीम बनाएं और उसमें विस्मा को भी रखें। उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे बहुत होनहार लगती है। ग्रे ने एक टीम बना ली और विस्मा को भी उसमें शामिल किया। बास्केटबॉल से भी अधिक आनंद विस्मा को दौड़ने में आने लगा और उसने बास्केटबॉल खेलना बंद ही कर दिया। अपनी पूरी शक्तियों को एक ही काम में लगाकर एकाग्रतापूर्वक मेहनत करना ही सफलता का मूल मंत्र है। इस मंत्र को जिसने सिद्ध कर लिया वही सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच सका है। दूसरा, किसी भी व्यक्तित्व का विकास उसके मार्गदर्शक की कुशलता और चतुराई पर भी निर्भर करता है। माता पिता के प्रोत्साहन और प्रशंसा ने विस्मा को हीन भावना से मुक्त किया तो उसके ट्रेनर ग्रे और टेम्पल ने अपनी कोशिशों से उसके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकाला। ग्रे 3 साल तक अपनी मोटरसाइकिल लेकर विस्मा के घर जाते और उसे बिठाकर वहां से 45 मील दूर नैशविला के टेनेसी स्टेट कॉलेज ले जाते, जहां एडवर्ड टेम्पल उसे दौड़ने की ट्रेनिंग देते थे। ग्रे और टेम्पल का ये सहयोग भी विस्मा ने अपने मीठे और विनम्र स्वभाव के बल पर ही प्राप्त किया था। कुछ देने और दूसरों की मदद करने की भावना सभी मनुष्यों में कम या अधिक रूप से विद्यमान रहती है। यदि उस विशेषता से लाभान्वित होने की कला सीख ली जाए तो अच्छे स्वभाव के ही नहीं बल्कि बुरे से बुरे और गिरे हुए व्यक्ति भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सौभाग्य से विस्मा को योग्य प्रशिक्षक मिले और अपनी व्यवहार कुशलता और मीठे स्वभाव से उसने ग्रे और टेम्पल को प्रभावित कर लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप दोनों ट्रेनर विस्मा को अपने बेटी की तरह चाहने लगे थे और हर संभव उसकी मदद करते थे। बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताओं में भी विस्मा ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई और वह लगातार सफलता की सीढ़ियां तय करती रही। पढ़ाई और दौड़
दोनों ही क्षेत्रों में विस्मा ने समान रूप से प्रगति की। क्लास में भी वह अच्छे नंबर लाती रही और हर रोज दौड़ने का अभ्यास भी करती रही। अपने स्वभाव की विशेषता, अभिभावकों की चतुराई और योग्य प्रशिक्षकों का सहयोग, इन सब ने मिलकर न सिर्फ विस्मा को ओलंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक दिलवाए, बल्कि उससे पहले भी उसे 13 दूसरे पुरस्कारों से पुरस्कृत करवाया था। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग एक, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी।